सपा नेता व बरेली की कैंट विधानसभा सीट से पार्टी के टिकट के दावेदार इंजीनियर अनीस खान ने भाजपा पर निशाना साधा और देश में नफरत और विभाजनकारी राजनीति करने का बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इस बार उसका सुपड़ा साफ होने का दावा किया। उन्होंने साधना न्यूज से विशेष बातचीत में बरेली की कैंट विधानसभा में भाजपा पर विकास की अनदेखी करने और वहां के भाजपा विधायक पर क्षेत्र में किसी भी तरह का विकास नहीं करने का आरोप लगाया। देखिए इस रिपोर्ट में। हमारे साथ मौजूद है जिला बरेली 125 कैंट विधानसभा से बहुत ही बड़े समाज सेवी लोकप्रिय नेता 125 कैंट विधानसभा से समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर अनीस अहमद खान। तो इंजीनियर अनीस अहमद खान से आज हम जानेंगे कि वो अपने क्षेत्र में भ्रमण पर जा रहे हैं तो जनता की किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो इंजीनियर साहब, आपका साधना न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। तो बताएं, आप अपने क्षेत्र में जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जनता की जिनका आपको सामना करना पड़ रहा है? सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी का खौफ है, लोगों में दहशत है, क्योंकि दहशत इतनी ज्यादा है कि ये कब क्या करे। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं तो भारतीय जनता पार्टी का दहशत का खौफ बहुत ज्यादा है लोगों के बीच में। और समस्याओं का मसला ये है कि बरेली कैंट की मैं समस्याएं बता रहा आपको कि बरेली कैंट में दो पॉकेट बहुत बड़े हैं आबादी के, जिसको पुराना शहर कहा जाता है, जो सबसे बड़ी आबादी है कैंट विधानसभा की। दूसरा एरिया है सुभाष नगर मणिनाथ नेपुर, वो भी बहुत बड़ी एक आबादी है। तो इन दोनों पॉकेट में जो भी जनप्रतिनिधि रहा है यहाँ पर, उसने कोई भी गौर फिक्र नहीं करी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि जब 2012 में मैं बीएसपी से चुनाव में आया था तो उस टाइम भी मैंने बहुत सी समस्याएं उठाई थी। नालियों का पानी घरों के अंदर भरा हुआ है, घर नीचे हो गए हैं, सड़कें ऊंची हो गई हैं, सड़कों की हालत ये हो गई है, सारे सीवर के डिप खुले हुए हैं, लैट्रीन बाहर बह रहा है और वो लैट्रीन सब घरों के अंदर जा रहा है। यहाँ तक के जो वहाँ पर कब्रिस्तान हैं, कब्रिस्तानों में भी पानी गंदा जा रहा है। कब्रिस्तान के अंदर अगर मुर्दा दफनाने ले जा रहे हैं तो उसी गंदे पानी में से होकर के लोग जा रहे हैं। कि यह है कि मुर्दे को दफनाने के लिए हर इंसान को पाक साफ होना चाहिए, तो उस लैट्रीन के पानी में से जा रहा है। तो ये समस्या मैंने 2012 में भी उठाई थी और आज भी ये समस्या बनी हुई है। वही हालत सुभाष नगर मणिनाथ की है, वहां पर जरा सी बरसात हो जाती है, सारा पानी, गंदा पानी लोगों के घरों में भर जाता है, लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है, शहर से उनका संपर्क बिल्कुल कट जाता है। जब पानी भरा होता है तो अंदर वो शहर में नहीं आ सकते। इन दोनों जगहों पर मेडिकल कोई सुविधाएं नहीं है, एजुकेशन की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई डिग्री कॉलेज है इन दोनों पॉकेट्स के अंदर, ना सुभाष नगर में है ना पुराने शहर में है। तो ये सारी समस्याएं ही समस्याएं हैं। तो मेरा 2012 में भी टारगेट था और 2022 का जो चुनाव में मैं जा रहा हूं, अगर पार्टी टिकट देती है और मुझे कामयाबी मिलती है, कामयाबी इंशाल्लाह मुझे 100% मिलने की उम्मीद इसलिए है कि मेरे साथ में बहुत बड़ा तबका बहुजन समाज पार्टी का टूट करके आया है, जो दलित समाज और बैकवर्ड समाज से ताल्लुक रखता है। उसके दम पर मैं चुनाव 101% इंशाल्लाह जीतूंगा। तो मेरा पहला काम ये होगा कि मैं इन दोनों पॉकेट की, पुराना शहर की और सुभाष नगर मणिनाथ की, DNA सिस्टम को सही कराऊं।
जगह जगह पर स्टम वेल के जरिए पानी को बाहर शहर से बाहर निकालूं, जो सीवर चूक हो रही हैं उसका सीवर का रीऑर्गेनाइजेशन कराया जाए, दोबारा सीवर लाइन डलवाई जाए, जो नहीं पड़ रही है नए शहर में डाली जा रही है सीवर, लेकिन पुराने शहर में और सुभाष नगर में सीवर लाइन का काम नहीं हो रहा है। जहाँ ज़रूरत थी पहले पहले वहाँ होना चाहिए था काम, पुराने शहर में काम होना चाहिए था, सुभाष नगर में होना चाहिए था, ना कि सिविल लाइन में हो रहा है, ऑफिसर्स कॉलोनियों के सामने हो रहा है, जो बड़ी बड़ी पॉश होटल्स हैं उनके सामने हो रहा है, लेकिन इस पॉकेट के अंदर नहीं हो रहा है। तो मेरी प्राथमिकता होगी सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम सही करने की, डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज मेडिकल सुविधा देने की मेरी प्राथमिकता। आज हमारे साथ मौजूद है